अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी शपथ ले, आप क्या कहना चाहेंगे इसका? मैं ये ज़रूर कहूंगा कि जो है आज ये ऐसा दिन है कि पिछले 10 सालों में जो आवाम तेलंगाना की मुसीबत उठाई, ये वो आवाम का दिन है। आवाम की कामयाबी है, ये कांग्रेस पार्टी की कामयाबी नहीं बल्कि आवाम की कामयाबी है। आवाम ने 10 साल तक मुसीबत उठाया और जो है ना वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, जिताया, आज उनका चीफ मिनिस्टर बनाया, आज उनकी हुकूमत बनाई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है आवाम की, तेलंगाना की आवाम की कामयाबी है। जितने बेरोज़गारों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो शहीद हुए थे उनके साथ नाइंसाफ़ी, उनके लिए आज का दिन सबसे अच्छा दिन है और डेफिनेटली उनके साथ जो है ये गवर्नमेंट का पहला काम भी उनके साथ ही होगा। ये जो तेलंगाना कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, इम्प्लीमेंट जो गैस सिलेंडर का था, पेंशन का था, कब और कितनी देर लगी इम्प्लीमेंट होने? हम तो जो है ना दौरान इंतखाबी हम जो है ना क्लियरली कह दिए थे कि 100 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो है ना पहली सिग्नेचर भी जो है उसके ऊपर हो चुकी है, 6 गारंटी के ऊपर। डेफिनेटली जो है बहुत जल्द 100 दिन के अंदर ये पूरे 6 गारंटी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अपोजिशन पार्टी और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपोजिशन पार्टी 10 साल काम करे, आवाम ने देखा, आवाम का रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा। ये आवाम का दिन है, इसके बारे में मैं आज कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जीत गए, उन्होंने हार गए नहीं। ये आवाम की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं बल्कि आवाम की जीत है। शुक्रिया आप। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।